7,226 पर ट्रेड करता ये दिखा है और आज इसमें 12 रुपए की गिरावट भी आई है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है कैस्ट्रो सीड का बाजार आगे क्या कैसा देखने को मिल सकता है, क्या कुछ इसमें आगे बदलाव हो सकते हैं? देखिए, कैस्ट्रो सीड में लगातार बाजार जो है वो साइडवेज मोमेंटम है, ऊपरी स्तरों से लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं और अब यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट एक बार फिर से ले रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। मुझे लगता है कि नीचे में 7,000 तक का सपोर्ट मार्केट में आ सकता है और ऊपर में 7,320 तक की रेंज बन सकती है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी इसके अंदर लेकर चला जा सकता है। नीचे में 7,000 का टारगेट एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। जी भाई, अगर कॉटन ऑयल सीड केक की बात करें तो ये 2641 पर ट्रेड करता दिखाया और इसमें 7 रुपए की जो है वो गिरावट देखने को मिली है, तो बताइए इस पे इसका क्या बाजार आगे रह सकता है कॉटन ऑयल सीड केक का? कॉटन ऑयल सीड केक में अभी के नीचे में 2500 का सपोर्ट बन चुका है, अब 2500 तक डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है जुलाई वायदा में, और वहीं अगस्त वायदा की बात करें तो उसमें भी 2500-2520 के आसपास मार्केट डाउनसाइड में जा सकता है। मुझे बहुत ज्यादा कोई इसमें अब तेजी नजर नहीं आती है, मैंने लगातार यही बोले कि इसमें आप बिकवाली में रहे, अब थोड़ा सा कवरिंग शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो उसके चलते 2660-2680 तक ऊपर जा सकता है, वहां से अगेन जो है बिकवाली की कोर लेकर चला जाए। जी वही अगर ग्वार गम की बात करें रूपा जी, तो ये 9,650 पर ट्रेड करता दिखा है और वहीं इसमें 29 रुपए की जो है वो गिरावट भी दिखी है, तो ग्वार गम के बाजार में आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या इसमें और तेजी बनेगी? देखिए, झुटमुट बाइंग आ सकती है क्योंकि काफी करेक्शन ऊपरी स्तरों से आ चुकी है, तो उसके चलते निचले स्तरों पर एक बार बाइंग इंपैक्ट हो सकती है, लेकिन अब सस्टेनेबिलिटी नहीं है बाइंग में मार्केट, क्योंकि जिस तरीके का करेक्शन आया है उस हिसाब से अभी फिलहाल बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। जो ऊपरी अगर ऊपर मार्केट जाता है तो वहां पर सेलिंग का ही कॉल होना चाहिए। मुझे लगता है कि ग्वार सीड जल्द ही 4-5,000 के नीचे लुढ़क सकती है और वहीं गम की बात करें तो ये 9,500 के आसपास सस्टेन कर सकता है। जी रूपा जी, अगर मसाले की बात करें और मसालों पे नजर डालें तो धनिया आज बता दें कि ये 11,266 पर ट्रेड करता दिखा है, वहीं इसमें कम से कम 18 रुपए की जो है वो गिरावट भी दिखी है, तो धनिया में आगे क्या कुछ करके चलना चाहिए? देखिए, धनिया की अगर बात करें तो धनिया में खरीदारी में रहना चाहिए मेरे हिसाब से, धनिया अगर पॉजिटिव हो सकता है, धीरे धीरे इसमें एक तेजी का दौर बनता हुआ दिखाई दे सकता है और 12,000 तक धनिया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से धनिया के अंदर बाइंग किया जा सकता है, 10,400 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। जी अगर जीरे की बात करें तो इसमें आज हल्की सी तेजी देखने को मिली है, जीरा भी आज बता दें 21,350 पर ट्रेड करता दिखा है, तो जीरे का बाजार आगे क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी जैसे जैसे विंटर समर वेकेशंस खत्म हो रही हैं वैसे वैसे मसालों में थोड़ा सा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वेकेशंस के अंदर डिमांड जो है मसालों की काफी कम हो जाती है। अब धीरे धीरे जैसे फेस्टिवल्स भी आगे स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त ऑनवर्ड्स, तो मुझे लगता है कि वापस से इसमें तेजी बनती हुई दिखाई देगी और एक डिमांड पिकअप हो सकती है, उसके चलते जीरा जो है 21,800 से 22,000 के आसपास सस्टेन कर सकता है। मसालों में हमेशा मैंने ये रिकमेंड किया है कि निचले स्तरों पर बाइंग करके चले और अभी भी मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी, जब भी करेक्शन आता है उस करेक्शन में बाइंग की तरफ रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म होरिजन रखें इसके अंदर, शॉर्ट टर्म ना खेलें, और हल्दी में भी मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन आती है वहां पर बाइंग करके चलें और आने वाले टाइम में हल्दी भी एक अच्छा रिटर्न देती हुई दिखाई दे सकती है। जैसा कि रूपा जी ने बताया है कि आप निचले स्तर पर बाइंग करके मसाले में चल सकते हैं। रूपा जी, अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं के निर्यात पे जो प्रतिबंध लगाने के बाद अब सरकार की नज़र आटे पे बनी हुई है कि आटे पर भी प्रतिबंध लगा सके, तो इससे अगर प्रतिबंध लगता है तो जो व्यापारी हैं उनकी जो चिंताएं भी बढ़ जाएंगी क्योंकि उनके लिए नए नियम भी लागू होंगे, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, गेहूं के ऊपर अभी आगे क्या अपडेट आएगा इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ, जो प्राइजेस की बात है, प्राइजेस जो है अभी भी हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट काफी होते हुए नजर आए हैं, ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध के बावजूद भी हमने देखा है कि 18 लाख टन तक का गेहूं जो है वो निर्यात किया गया है, जो अभी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है उसके मुताबिक, तो लगातार जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक कंट्रीज के अंदर भारत का गेहूं जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पर भेजा जा रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि प्राइजेस जो है वो ऊपर बने रहेंगे, प्राइजेस में फिलहाल कोई गिरावट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है और इनफैक्ट देखा जाए तो एक्सपोर्ट जो है डबल हो चुके हैं पहले के कंपेरिजन में, तो मुझे लगता है कि अभी जो तेजी आनी चाहिए थी प्राइजेस के अंदर उतनी तेजी अभी फिलहाल नहीं बनी है, लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं नो डाउट, प्रतिबंध के बाद भी हमने देखा है
कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत काफी ऐसे देश हैं जहां पर गेहूं को एक्सपोर्ट किया गया है भारत से, तो अभी के लिए प्राइजेस जो है वो सपोर्ट ले सकते हैं, जिनके पास गेहूं रखा है वो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर तेजी बन सकती है। अगर सोयाबीन की बात करें तो रूपा जी, सोयाबीन में जो गिरावट है वो जारी है और किसान सोयाबीन को कम दाम में बेचने पर भी मजबूर हो रखे हैं, तो आपको क्या लगता है सोयाबीन के बाजार में आगे क्या कुछ तेजी बन सकती है या ये कमी आगे भी ऐसे ही बनी रहेगी? देखिए, एडिबल ऑयल पैक में अभी जो है एक्सपेक्टेड था कि एक बार फिर से जो है वो वहां पर विदेशी बाजारों में डिमांड पिकअप होने के चलते डोमेस्टिक मार्केट संभल सकते हैं, लेकिन अभी लगातार हम देख रहे हैं कि सभी खाद्य तेलों में गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो सोयाबीन हो, पामोलिन हो, मूंगफली का तेल हो, सरसों हो, सभी ऊपरी स्तरों पर लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं और लगातार गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। और मुझे लग रहा है कि अभी ये अब जो है डिमांड जिस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर कम होती नजर आई है, उस वजह से थोड़ा सा प्राइसेस जो है वो नीचे गिरते दिखाई दिए हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन शुरू होंगे, जो है मैरिज सीजन शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर से एक बार डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई नजर आएगी। और जो अभी हम देख रहे हैं कि अब सोइंग का जो डाटा है वो थोड़ा ठीक आ रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार सोइंग जो है वो उम्मीद की जा रही है कि अच्छी हो सकती है, और अगर मॉनसून बेहतर रहा तो आगे प्रोडक्शन अच्छा निकल सकता है। अगर मॉनसून में मॉनसून जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है वैसा नहीं रहा तो फिर से वही हालात बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा ना तो मंदी की उम्मीद है और ना ही बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से खाद्य तेलों में फिलहाल के लिए बाइंग तो नहीं रखें, सेलिंग भी जो है ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की बिकवाली करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, चावल की बात करें तो बांग्लादेश में चावल की किल्लत है और उस किल्लत से भारत पे भी बड़ा असर पड़ रहा है। भारत में पिछले कुछ दिनों से 10% की तेजी देखी गई है चावल पर, तो आपका इस पे क्या कुछ राय है? देखिए, चावल में भी एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो पिकअप हो सकते हैं, निर्यात मांग एक बार निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो अगर निर्यात मांग पिकअप होती है तो वापस से चावल के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी बांग्लादेश में भी ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि चावल की कमी देखने को मिल रही है और जिसका असर सीधा भारत पर आता हुआ दिखाई दिया है, और पिछले 5 दिनों में 10% तक का भाव जो है चावल का यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आगे भी तेजी बनी रह सकती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से जितना भी चावल जो है एक्सपोर्ट किया जाता है उनमें भी तेजी देखने को मिल रही है और लगातार ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका मेन कारण भी यही है कि एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाजारों में थोड़ा सा बाजार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि चावल और महंगा हो सकता है, तो चावल के अंदर खरीदारी की जा सकती है। और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिवनेस और देखने को मिले, तो काफी चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि एक बार सिनेरियो पॉजिटिव बन सकता है तो चावल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। आने वाले दिनों में भाव तेजी पकड़ सकते हैं, जो अभी $360 प्रति टन पर देखने को मिल रहा है गैर बासमती चावल का भाव, ये एक्सपेक्टेड है कि 370 से 380 तक पहुंच सकता है। जी, तो जैसा रूपा जी ने बताया कि चावल पे आप कारोबार करके चल सकते हैं, बाइंग करके चल सकते हैं, इसमें आगे और तेजी बन सकती है। तो रूपा जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि एग्री कमोडिटी में इंट्राडे में ओवरऑल क्या करके चलना चाहिए? देखिए, एग्री कमोडिटीज में कमोडिटी मुझे लगता है कि कॉटन है, जिसके अंदर बिस्माली की रणनीति बनाकर चलना चाहिए। कॉटन में अब आगे जो है तेजी का दौर है जो खत्म हो चुका है और कॉटन में बिकवाली करके चला जा सकता है। बिनोला खल के अंदर भी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो बाजार सिलसिला बाजारों में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।